अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस इज़ योर मैथ्स बुक। ओपन योर बुक, पेज नंबर 3, एक्सरसाइज 1 ए का क्वेश्चन नंबर 9। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। ए हमें दिया हुआ है 1479623, तो इसमें रिंग डिजिट क्या नज़र आ रहा है आपको? 7 पे सर्कल किया हुआ, तो ये हमारा क्या है? रिंग डिजिट। रिंग डिजिट के बाद की वैल्यूज देखनी है हमने। 7 हमारा रिंग डिजिट है, इसके बाद कितने डिजिट दिए हुए हैं? 1 2 3 4। इनको रिप्लेस किस में कर देंगे? 0 में। इनको रिप्लेस करके सब की जगह क्या आ जाएगा? 0 0 0। लोकेट हियर स्टूडेंट्स, हमें 1417963 इस तरह से ए दिया हुआ था क्वेश्चंस। अब हम इनको इस तरह से सॉल्व करना है। हमें देखना है हमारा 7 क्या है, रिंग डिजिट नंबर। 7 के बाद के डिजिट को राइट किस तरह से करेंगे हम? 7 ऐसे टू तो जाएगा, ये हमारा रिंग डिजिट है। इसके बाद की वैल्यूज को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? 0 0 0 0, तो यह हो गया 70,000। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स बी देखें, 1090900605, इसमें रिंग डिजिट क्या दिया हुआ है? 9। 9 के बाद की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके 000 राइट कर देंगे और वो वैल्यू हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी तरह सी डी ई और एफ आपने खुद करना है। आई होप कि आपके वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन नंबर्स को हमने किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर राइट करना है। किस तरह से? लुक एट हियर, इस वैल्यू को हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे? सबसे पहला वैल्यू देखते हैं, सबसे पहला डिजिट क्या है? 3 को, 3 के बाद के डिजिट को देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब को हम रिप्लेस किस में कर देंगे? 0 में। इन सब की जगह क्या आ जाएगा? रिप्लेस होकर 0। 3 ऐसी रहेगा, इसके बाद के डिजिट 1 2 1 2 3 1 2 3, प्लस बाद वाली डिजिट क्या है? 7। 7 की भी वैल्यूज़ को हम काउंट करेंगे, 7 के बाद के डिजिट को 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद के हम कितने डिजिट लगा देंगे? 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारी ये वाली वैल्यू। 7 के डिजिट के बाद की वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर दिया, इधर प्लस के निशाने। फिर इसके बाद देखेंगे 6 को भी हम इसी तरह राइट कर देंगे। 6 के बाद के कितने डिजिट हैं? 1 2 3 1 2 3, 6 डिजिट हैं, तो लिखेंगे 6 ऐसी रहेगा, 1 2 3 1 2 3। इन सबको रिप्लेस किस में करना है? 0 के अंदर रिप्लेस करके हमारे पास क्या लग रहा है? 0 0 0। अब हम देखेंगे 8 की वैल्यूज़ को भी हम इसी तरह कर देंगे। 8 के बाद के डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लगा देंगे। 3 की बाद के डिजिट को देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 3 के बाद 4 डिजिट लगा देंगे, 30,000। प्लस अब 0 को, 0 के बाद के कितनी वैल्यूज है? 1 2 3, तो 0 तो 0 ही रहेगा, उसके बाद की वैल्यूज भी 0 0 लगा देंगे। 0 के बाद हमारे डिजिट दिया हुआ है 5, तो हम 5 को करेंगे अब। प्लस 5 ऐसी रहा, 5 के बाद के डिजिट कितने हैं? 2 1 2, तो 2 0 लग जाएंगे। प्लस 9 के बाद के कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 0 लगा देंगे। प्लस लास्ट क्या बचा है हमारे पास? 6, तो अब हम 6 को एग्जिट रख देंगे। तो इस तरह से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ये राइट करना है। सो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चंस बी सी और डी आप खुद कर लेंगे। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है सॉरी। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू राइट करते हैं। इन वैल्यूज़ में हमने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू राइट कर देंगे। आई होप कि ये आप कर लेंगे क्योंकि आपने ये पहले भी किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फॉलोइंग नंबर्स या प्रीडिसेसर आपने पहले किया हुआ है। प्रीडिसेसर मीन पिछली वैल्यू राइट करनी है आपने, बिफोर वैल्यू इन नंबर से जो पहले वैल्यू आती है, ये भी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।